क्या तेजस्वी यादव रोज शराब पीते हैं, ये आरोप सही है या गलत है ये तो आप ही जानिएगा। कुछ वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर हत्या का आरोप लगा था, हत्या का आरोप, तो इनको ही बताना चाहिए कि वो हत्यारे थे या नहीं थे। सारा नेशनल चैनल पर चला कि तेजस्वी, उसको निष्कासित कर दिया गया, करवा दिया, इसलिए सच बोल दिया कि एक बोतल शराब पीते बहुत है। ये बजट पर डिबेट हो रहा है कि व्यक्तिगत आक्षेप प्रक्षेप हो रहा है, क्या मानो घटिया स्तर हो रहा है। कहीं लूट, कहीं डाका, कहीं मांगी जा रही रंगदारी है, उधर दरोगा मुंह सूंघ रहे क्योंकि फरमान सरकारी है। भाई आपके नेता को कहा है दारू पीता है, इससे बड़ा लज्जा की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। हत्या का आरोप है, बाल के व्यक्ति का हत्या का आरोप है महोदय, किसी तरह से उस मामले को दाबा गया है, दाबा गया है। त्रस्त है जनता, मस्त है क्रिमिनल, पुलिस दारू में व्यस्त है, इस शराबबंदी के चक्कर में लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त है। पुलिस वेरिफिकेशन में आपका राज था, आपके राज में पुलिस ने क्लीन चिट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपके एसपी दारूबाज हैं। हजूर हम जानते नहीं है कि दारूबाज है कि नहीं है, कि गलत आरोप लगा। कहीं भी जाइए महोदय, वहां अफीम, गांजा, गांजा पीते हुए सरेआम लोग आपको दिखेगा हजूर, कोई रोकथाम नहीं है। तो एक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पर आरोप लगवाया गया। पूरे बिहार का हजूर जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, एक व्यक्ति भी बता दें कि 8463 पंचायत बिहार में कोई ऐसा पंचायत है जहां पर शराब होम डिलीवरी नहीं हो रहा है हजूर। अरे हमने तो 118 नरसंहार से इस बिहार को बचाया है, अपराध के खिलाफ तो हम संग्राम करते हैं, अपराधी से साठ गांठ नहीं करते। हुई शराब की जब से बंदी, हुई शराब की जब से बंदी, बिहार ने बड़ा ही नाम कमाया है। दारू पी जा रहे चूहे, खूब वसूली और उगाही, चल रहा दारू का काला कारोबार है, जहरीली शराब से मर रही जनता, बिहार में यह कैसी बहार है। राजस्व का हो रहा घाटा, कुछ लोगों की पूरी चांदी है, समाज सुधार का ढोंग रचा, कोई निकला बनने गांधी है। हमारा हजूर पूरे बिहार में हाथ उठा के बता दे कि उनकी बच्चियों की शादी बगैर दहेज दिए हुए हुआ। प्यार और श्रद्धा से आप बुलाइए, बिहार में कहीं भी आपको शराब उपलब्ध है। स्विगी जो काम नहीं करता, अमेजोन जो काम नहीं करता, महोदय जोमेटो जो काम नहीं करता, वह काम आज हमारे समाज के बेरोजगार लड़का और लड़की करते हैं महोदय। आपने तो बिहार को उड़ता हुआ पंजाब बना दिया महोदय, आपका एक एक बच्चा का पीढ़ी बर्बाद हो रहा है महोदय, हर एक जगह शराब बिक रहा है। अगर 2 करोड़ लीटर प्रत्येक वर्ष अगर शराब पकड़ा रहा है महोदय, तो आप कल्पना कीजिए कि इस बिहार में कितना शराब आ रहा है महोदय। कि यदि अगर बिहार में आप नशाबंदी और दहेज प्रथा लागू कर देंगे, तो आपको जितने महिलाएं हैं इस राज्य की, सभी लोग आपको कूट कूट करके वोट देगा हजूर। हम दूर नहीं जाना चाहते महोदय, हम दूर नहीं जाना चाहते, इन्हीं के पार्टी के जो माननीय विधायक हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते। हमारा हमारा जो एसपी है महोदय, हमारे जो एसपी है महोदय, पहले लोगों चुप करा दिए महोदय, बिहार में उत्पात मचाया हुआ है हजूर, उस पर हम बोलना चाहते हैं महोदय। किसी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया महोदय, सुझाव दिया कि यदि अगर बिहार में आप नशाबंदी और दहेज प्रथा लागू कर देंगे, तो आपको जितने महिलाएं हैं इस राज्य की, सभी लोग आपको कूट कूट करके वोट देगा हजूर। अब स्थिति क्या हुआ महोदय? कुछ नहीं, हम दूर नहीं जाना चाहते महोदय, हम दूर नहीं जाना चाहते, इन्हीं के पार्टी के जो माननीय विधायक हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते। वो क्या कहे कि हमारा जो एसपी है महोदय, हमारे जो एसपी है महोदय, पहले लोग चुप करा दिए महोदय, हम बोले का
बैठ जाइए माननीय सदस्य, बैठ जाइए। महोदय, आपसे पुनः मेरा सादर अनुरोध है कि तथ्य की बात करें हम भी स्वीकार करते हैं। जो अच्छा काम हुआ उसको हम लोग भी करते हैं। 17 महीना में जो बेहतरीन कार्य हुआ नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तो हम लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं जो 17 महीना में जो काम हुआ भूतपूर्व हुआ। 10 मिनट हो गया, स्वीकार कर रहे हैं। 10 मिनट हो गया। तो देखिए महोदय, मुख्यमंत्री जी का ये योजना था कि भाई हमको बिहार में नशाबंदी करना है और दहेज प्रथा लागू करना है। पूरे बिहार का हजूर जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, एक व्यक्ति भी बता दें कि 8463 पंचायत बिहार में कोई ऐसा पंचायत है जहां पर शराब होम डिलीवरी नहीं हो रहा है। हजूर पहला बात, एक व्यक्ति हमारा हजूर पूरे बिहार में हाथ उठा के बता दे कि उनकी बच्चियों की शादी बगैर दहेज दिए हुए हुआ। लेकिन क्या हुआ हजूर, बिहार में जैसे हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम, हजूर प्यार और श्रद्धा से आप बुलाइए, बिहार में कहीं भी आपको शराब उपलब्ध है। स्विगी जो काम नहीं करता, अमेजोन जो काम नहीं करता, महोदय जोमेटो जो काम नहीं करता, वह काम आज हमारे समाज के बेरोजगार लड़का और लड़की करते हैं। महोदय आज बिहार में स्थिति क्या है आप पता लगाइए कि आज आयोडेक्स का खपत कितना है, महोदय फोर्टिविन का कितना है, व्हाइटनर का कितना है, कोरेक्स का कितना है और इरेजर का कितना है। अरे भाई आपने तो बिहार को उड़ता हुआ पंजाब बना दिया महोदय, आपका एक एक बच्चा का पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। महोदय हर एक जगह शराब बिक रहा है, अगर 2 करोड़ लीटर प्रत्येक वर्ष अगर शराब पकड़ा रहा है महोदय, तो आप कल्पना कीजिए कि इस बिहार में कितना शराब आ रहा है महोदय। लेकिन हम शराबबंदी लागू किए हुए हैं। महोदय हम कुछ नहीं, अगर आप हमको बोलने नहीं देना चाहते हैं, समय की सीमा में अगर बांधना चाहते हैं, सुनिए समय की सीमा है और रहेगी महोदय, महोदय बांधने का सवाल नहीं है, समय की सीमा है और रहेगी महोदय, आपके लिए सबके लिए रहेगी। हम एक भ्रम में ना रहे, पानी को विराम देते हैं। कहीं लूट कहीं डाका, कहीं मांगी जा रही रंगदारी है, उधर दरोगा मुंह सूंघ रहे क्योंकि फरमान सरकारी है। त्रस्त है जनता, मस्त है क्रिमिनल, पुलिस दारू में व्यस्त है, इस शराबबंदी के चक्कर में लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त है। हुई शराब की जब से बंदी, हुई शराब की जब से बंदी, बिहार ने बड़ा ही नाम कमाया है। दारू पी जा रहे चूहे, इन चूहों ने बगरा व्रत ताज बिछाया है। महोदय एक लाइन में खत्म कर देंगे। खूब वसूली और उगाही, चल रहा दारू का काला कारोबार है, जहरीली शराब से मर रही जनता, बिहार में यह कैसी बहार है। राजस्व का हो रहा घाटा, कुछ लोगों की पूरी चांदी है, समाज सुधार का ढोंग रचा, कोई निकला बनने गांधी है। इसी के साथ महोदय मैं जो बजट है ये बिल्कुल जनता का विरोधी है, गरीब का विरोधी है, कल्पना आधारित है, इसलिए इस बजट का मैं विरोध करता हूँ। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय व्यय पर विभागवार सामान्य वाद विवाद में आज ऊर्जा तो बहुत दूर तक जाएगी। हजूर हजूर ऐसा है, ये सारा नेशनल चैनल पर चला, सारा नेशनल चैनल पर चला कि तेजस्वी उसको निष्कासित कर दिया गया, करवा दिया, इसलिए सच बोल दिया कि एक बोतल शराब पीते हो गया। आपने अपनी बात कह दी, हो गया। आप बोलिए ना, बोलिए, अरे उनको बोले दीजिए ना, अति पिछड़ा का बेटा था, वो बोल रही है शराब। बैठ जाए माननीय सदस्य संजय जी, बैठ जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आपके एसपी दारूबाज हैं। हजूर हम जानते नहीं है कि दारूबाज है कि नहीं है, कि गलत आरोप लगा हजूर। इसके अतिरिक्त जितना भी बंद बड़ा नलकूप है महोदय, कहीं भी जाइए महोदय,
वहां अफीम गांजा गांजा पीते हुए सरेआम लोग आपको दिखेगा हजूर, कोई रोकथाम नहीं है, आप सिर्फ शराब रोकना चाहते हैं। हो गया, चलिए बस। अपने पार्टी के प्रति समर्पित भाई, आपके नेता को कहा है दारू पीता है, इससे बड़ा लज्जा की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। सदन के अंदर शपथ लिया गया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी मैदान के कार्यक्रम में थे, और आपके नेता तेजस्वी यादव जिनके बारे में आप कहते हैं कि हमारे प्रेरणा स्रोत थे, आपके सदस्य बिहार विधान परिषद जो अति पिछड़ा समुदाय के थे, उसने सरेआम आरोप लगाया और आपने क्या इसका दंडात्मक कार्रवाई तय किया कि सदन से बर्खास्त कर दिया। तो स्पष्टीकरण दीजिए कि क्या तेजस्वी यादव रोज शराब पीते हैं, ये आरोप सही है या गलत है, ये तो आप ही जानिएगा। कुछ वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर हत्या का आरोप लगा था, हत्या का आरोप, तो इनको ही बताना चाहिए कि वो हत्यारे थे या नहीं थे, उसके बाद हम जवाब दे रहे हैं। चलिए, नहीं नहीं रुकिए, माननीय सभापति महोदय मेरे क्षेत्र का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर में हत्या का आरोप है, बाहर के व्यक्ति का हत्या का आरोप है महोदय, किसी तरह से उस मामले को दाबा गया है, दाबा गया सभापति महोदय, तो हम भी सर मैं वो सही आरोप है कि नहीं है, सभापति महोदय, नहीं 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 ये गंभीर बात है, हमारे निर्वाचन क्षेत्र पे हमारे पंडारक प्रखंड के रैली गांव में यह घटना हुई थी, और राष्ट्र आज जो जनता दल में पूर्व मंत्री दिलीप सिंह पर यह आरोप लगा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी नाम दिया गया था, पुलिस वेरिफिकेशन में आपका राज था, आपके राज में पुलिस ने क्लीन चिट दिया, राजनैतिक ईर्ष्या के तहत, ऐसा कहीं आपने नहीं सुना होगा सभापति महोदय कि जिसको जुडिशियरी ने एक्सेप्ट कर लिया हो उस केस को रीओपन किया करवाया गया, और हालात यह हुआ कि जो रीओपन किए सुनील बाबू वो नौकरी से बर्खास्त हो गए, और माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इतनी कड़ी टिप्पणी की कि जब न्यायालय ने पुलिस ने स्वीकार कर लिया, न्यायालय ने उस केस को स्वीकार कर लिया, तो अधिकार जिला को कहां से है केस को रीओपन करने का, अगर हाई कोर्ट ने निर्देश दिया होता तो बात समझ में आती, तो एक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पर आरोप लगवाया गया, अरे हमने तो 118 नरसंहार से इस बिहार को बचाया है, अपराध के खिलाफ तो हम संग्राम करते हैं, अपराधी से साठ गांठ नहीं करते। इतना आंसू गिर रहा है महोदय, और जहां हजारों लोग, एक मिनट महोदय 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 जरा सुनिए बात, ये बजट पर डिबेट हो रहा है कि व्यक्तिगत आक्षेप प्रक्षेप हो रहा है, क्या मानो घटिया स्तर हो रहा है, बजट पर बात होगी,